फिर क्या करें सर? तो उनको बोला अपने जगह के लिए, बोलेंगे प्रधान को बोल रखा है ना, मीटिंग वगैरह चल रही है, बात बदल रही है। हाँ जी, पहले कहा था कि 8 टेम्पो खड़े रहेंगे यहाँ पे। हाँ जी, फिर उसके बावजूद ज्यादा खड़े हो रहे हैं। सर ट्रेन आती है, वो क्या करें, ट्रेन का टाइम होता है इसलिए लगाते हैं। और दुकान वालों को परेशानी होती है, वो परेशानी क्या करें, मरा मसला करो फिर, कोई ना कोई तो जगह चाहिए इसके। हाँ जगह तो चाहिए सर, दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आता, और अगर इनको कहते हैं भी आप थोड़ा बहुत साइड में कर लो, तो कोई तो जो समझदार होता है वो तो कर लेता साइड में, अदरवाइज अपना ये तो टेम्पो छोड़ के चले जाते कि मेरी गाड़ी नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। हम बहुत परेशान है जी इनसे। कोर्ट में गया था मामला, कोर्ट में गया था मामला जी, कोर्ट में हमने अपने कलेक्टर साहब को आदेश किए हैं कोर्ट ने कि यहाँ से हटवाया जाए इनको, लेकिन हम कलेक्टर साहब के पास 2-3 बार जाए, SP साहब के पास जाए, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं उनके पास। बोर्ड भी लगाया गया, बिल्कुल बोर्ड लगवा दिया, नगर पालिका ने, आयुक्त साहब के पास जाए हम, वो कहते हैं हाँ जी देखेंगे जी करेंगे जी, बस कब का फैसला हुआ है ये? करीब 3-4 साल हो गए मेरे हिसाब से। हाँ जी, 4 साल से समस्या से बिल्कुल जस की तस है जी, इनकी भी समस्या की जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे वो बात ठीक है, लेकिन हमारी सर जी ये तो कलेक्टर साहब के पास जाए उनसे बात करें ना, हमारी दुकान के आगे थोड़ी खड़े होंगे ये चौक पर, टाउन रोड पर, और यहाँ पर टेम्पो वाले दुकान के आगे खड़े हो जाते हैं, दुकान के आगे खड़े होते हैं, और जिससे कस्टमर बिल्कुल नहीं आ पाते, और इतना ज्यादा गाली गलौज वाला सिस्टम हो जाता है, प्रशासन कुछ नहीं कहता, यातायात प्रभारी यहाँ पर खड़े रहते हैं, वो भी ऐसे रहते हैं, पर उनकी वो कोई सुनवाई नहीं करते, कलेक्टर के पास, SP के पास, नगर पालिका अध्यक्ष के पास, सबके पास जाए, पर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हमने अर्जी भी लिखी थी, जयपुर भी हमने 2-4 कॉल की थी इस पर 184 पर वहाँ से कोई सुनवाई, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर लिखित करके पर्चा भर के चले जाते हैं, अर्जी लिख लेते हैं, पर उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही सर, बहुत तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं हो रही सर, कम से कम 3 साल हो गए इसको आदेश आए को, यहाँ पर बोर्ड लगा आपके सामने लगा हुआ बोर्ड जी देखो सर, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब क्या रहेगा क्या आपका सर, आगे देखते हैं हाईकोर्ट में केस लगाएंगे या फिर, हाँ बाकी ये तो आप पे डिपेंड है, ये तो अगर मीडिया कुछ कर सकती है तो तभी मीडिया को बुलाया है। तो आपका कहने का मतलब है कि कोर्ट का फैसला कराने प्रशासन फेल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये राजनीतिक मुद्दा है सर, विकास सर जी, हमारी शॉप है यहाँ पर 5 सारी शॉप है, विनायक प्रोडक्ट, मोबाइल जंक्शन, कमल मोबाइल, सहेली वाले, वीके ट्रेडर्स, कुबेर डेयरी सर, 8-10 दुकान है, और चिमन होटल, आप सब संपर्क करो, सभी शॉप जाके देखो आपको पता चलेगा, सब गंभीरता से, सब कितने परेशान है सर। भगत सिंह चौक पर टेम्पो स्टैंड पर लगा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इस स्थान का उपयोग नहीं करें और यहाँ पर टेम्पो यानी खड़े नहीं करें, ये कोर्ट का फैसला है, और दुकानदारों का कहना है कि ये कोर्ट से फैसला हुआ था इस स्थान पर, क्योंकि हमारा रोजगार प्रभावित होता है इसलिए टेम्पो यहाँ पर खड़े नहीं किए जाएं, लेकिन कोर्ट के फैसले को जो है जिला कलेक्टर के द्वारा, SP के द्वारा, और यातायात पुलिस के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, किसी के द्वारा भी इसको लागू नहीं किया जा रहा, जबकि हम बार बार इस संबंध में निवेदन भी कर चुके हैं, सभी अधिकारियों को कह चुके हैं कि कोर्ट के जो फैसला हुआ है उसकी पालना की जाए, लेकिन पालना कोई नहीं कर रहा है। और उधर जब इनका पक्ष, टेम्पो स्टैंड वालों का पक्ष जाना गया, तो टेम्पो वालों का कहना है कि हमारे को नगर परिषद जगह नहीं उपलब्ध करवा रही, हमारा भी रोजगार प्रभावित होगा, हम भी रोजगार से जुड़े हुए हैं, हमारे को नगर परिषद टेम्पो खड़ा करने के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं करवा रही है। दोनों पक्षों का कहना है कि दुकानदारों का तो एक तरफ कहना है कि हमारा रोजगार प्रभावित होता है, दूसरी ओर जो टेम्पो वाले हैं वो कहते हैं कि हमारा रोजगार प्रभावित होता है, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा है भी, इन दोनों पक्षों का जो रोजगार संबंधित मामला है इसको किस प्रकार से इसको सुलटाया जाए, किस प्रकार निस्तारित किया जाए। टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो खड़े हैं वो अपनी पीड़ा से ग्रस्त है, और दुकानदार जो है वो कह रहे हैं कि ग्राहक नहीं आते हैं, टेम्पो आगे खड़े रहते हैं, लेकिन कोर्ट ने कोई जो फैसला दिया था उसके संबंध में नगर परिषद ने या प्रशासन ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। अब आगे देखते हैं कि प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है, नगर परिषद इस ओर क्या कदम उठाती है। मैं कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी, कलम हनुमान।